मुरादाबाद के रामपुर रोड स्थित प्रेम अंडरलैंड के पास ओवर ब्रिज बनाया गया था, जिसके बाद लोगों को उसका फ़ायदा भी पहुंच रहा है। मगर इन दिनों पुल पर बनी स्ट्रीट लाइटें ख़राब होने की वजह से वाहन चालकों को काफ़ी समस्या का सामना भी करना पड़ रहा है। यही नहीं, स्ट्रीट लाइट पर लगे खंभे भी जो हैं वो अब क्षतिग्रस्त हो चुके हैं और किसी दिन भी एक बड़ा हादसा हो सकता है। स्थानीय निवासियों का ये कहना है कि पुल पर लगी सभी स्ट्रीट लाइटें ख़राब हो चुकी हैं, साथ ही जो बिजली के पोल हैं वो भी क्षतिग्रस्त हो गए हैं और किसी दिन भी एक बड़ा हादसा हो सकता है। संबंध विभाग से इस समस्या का समाधान करने के लिए उन्होंने अपील की है। एक ओर जहां शहर को स्मार्ट सिटी बनाने की कवायद काफी तेजी के साथ चल रही है, तो वहीं शहर के कई इलाके अभी ऐसे भी हैं जहां की व्यवस्थाएं गांव से भी बदतर हैं। ऐसा ही मामला है शहर के कटघट थाना क्षेत्र रामपुर रोड प्रेमवंडल लैंड ओवर ब्रिज का। प्रेमवंडल लैंड ओवर ब्रिज पर लगी स्ट्रीट लाइट सिर्फ शोपीस बनकर रह गई है, साथ ही ओवर ब्रिज और आसपास सड़क किनारे खड़े विद्युत पोल जर्जर हालत में हैं। ये विद्युत पोल पूरी तरह से झुके हुए हैं और कभी भी हादसे का सबब बन सकते हैं। प्रेमवंडल लैंड ओवरब्रिज पर स्ट्रीट लाइट खराब होने के चलते रात्रि में आने जाने वाले राहगीरों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नगर निगम द्वारा पुल निर्माण कार्य के बाद ओवरब्रिज पर स्ट्रीट लाइटें तो लगा दी गई, मगर उसके बाद से इन लाइटों की सुध संबंधित विभाग ने नहीं ली। काफी समय से प्रेमवंडल लैंड ओवरब्रिज पर स्ट्रीट लाइटें खराब पड़ी हैं, जिसके चलते वाहन चालकों को रात्रि में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। वहीं ओवरब्रिज पर खड़े विद्युत पोल भी जर्जर हालत में हैं, जो कभी भी हादसे का सबब बन सकते हैं। क्षेत्र के लोगों का कहना है कि प्रेमवंडल लैंड ओवरब्रिज जब बना था तब ये काफी अच्छी हालत में था, मगर अब इस पुल से गुजरने वाले लोगों को खासी परेशानियां होती हैं। पुल पर लगी स्ट्रीट लाइट ठप पड़ी हुई है, विद्युत पोल भी पूरी तरह जर्जर हालत में है, जो कभी भी दुर्घटना का कारण बन सकते हैं। क्षेत्र के लोगों का कहना है कि शहर के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों के लोग भी प्रेमवंडल लैंड ओवरब्रिज से गुजरते हैं, ऐसे में उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ये प्रेमवंडल लैंड का पुल कहलाया जाता है, लेकिन समस्या यही है, ये स्टार्टिंग में जब पुल बना था तो काफ़ी अच्छा इसका रिस्पांस था, लेकिन कुछ टाइम ही तक चल पाया। जहाँ तक मेरा अंदाज़ एक आध साल ही इस पर ध्यान दिया गया, उसके बाद मेरे ख्याल से इस पर कोई तवज्जो नहीं है। कि गांव के लोग आते हैं, शहर के लोग आते हैं, सब इसी पुल से जुड़ना है उन सब लोगों का, लेकिन यहाँ कमियाँ ये हैं कि उन लोगों को दिक्कतें होती हैं, आए दिन यहाँ पर एक्सीडेंट होते रहते हैं। एक वजह यह है कि पुल पे जितनी भी स्ट्रीट लाइट हैं, इस पे ये समझ लिए कि मेरे ख्याल से आज से कई साल पहले लाइट जलते हुई देखी गई थी, लेकिन आज की डेट में यहाँ पर देखा जाए कि इस लाइटों की वजह से बहुत प्रॉब्लम हो रही है, एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। ये काफ़ी ज़्यादा दुख की बात है कि इस सरकार में कम से कम इस पे तवज्जो देना चाहिए। कि मैं चाहता हूँ कि विकास हो तो कम से कम पब्लिक के लिए होना चाहिए। जैसे कि आप देखिए कि आए दिन कम से कम लेडीज़ बाइकों से, जो गरीब परिवार है, कि होता है कि भाई कार से जा रहा थोड़ा सेफ्टी हो जाता है, बाइक वालों के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत है। इसके लिए खम्भे को क्या हालत है? खम्भे ऐसे हो रखे हैं इस टाइम के, ये समझ लिए कि कभी भी गिर जाए, कुछ भी हो सकता है। कि अब बाइक चल रही है ये, ठीक है, बच्चे भी बाइक पर बैठे हैं, खम्भा गिर जाए, ऊपर वाले ना चाहे कि बच्चे के ऊपर वो खम्भा गिरे, तो इस पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना चाहिए सरकार को। और यहाँ के हमारे जो भी नगर निगम के हमारे जैसे मेयर साहब हैं, उनसे रिक्वेस्ट है, विधायक जी से रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा इस चीज़ पे ध्यान दें यहाँ पर, क्योंकि इस एरिया में मेरे ख्याल से कोई भी यहाँ पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और सबसे बड़ी चीज़ है, आपने इस रोड को देखा होगा, यहाँ से लेके जीरो पॉइंट तक, वंडर लैंड से जीरो पॉइंट तक, ये समझ लीजिए कम से कम 6-6 फुट 3-3 फुट की खाइयाँ बनी पड़ी हैं। हाईवे पर नेशनल हाईवे कहलाया जाता है ये, लेकिन आप देखेंगे गांव से बदतर ये इस समय रोड हुआ हुआ है, क्योंकि आए दिन यहाँ ट्रक लौट रहे हैं, बसें लौट रही हैं, बच्चों को खतरा है। यहाँ से देखिए काफ़ी राहगीर जाते हैं, उनको बहुत परेशानी होती है। तो बस यही है कि सरकार कम से कम और कुछ नहीं कर रही है तो कम से कम रोडों का तो ख्याल रखे, कम से कम यहाँ की जितनी भी राहगीर हैं बेचारे उनको तो इस चीज़ से निजात मिल जाए कि कम से कम लाइटों का यहाँ का कोई वो नहीं है। हाईवे पर लाइट ज़रूरी है और रोड का काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं, तो मैं चाहता हूँ कि इन प्रॉब्लम्स को देखा जाए और इसका कुछ ना कुछ करे सरकार, बस यही मैं आपसे कहना चाहता हूँ।